जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, छोटा सा निवेदन है आपसे कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आप बहुत भाग्यशाली हैं। हम भाग्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हमारी किस्मत में कौन सी चीज़ें घटित होने वाली है, या हमारे भाग्य में सब कुछ अच्छा है या नहीं है, या अगर डाउनफॉल में चल रहे तो कब अच्छा होगा, या भाग्य को लेकर जितने भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं उन पर हम आज बात करने वाले हैं। भाग्य जो होता है वो किस्मत का लिखा हुआ, जिसे हम कहते हैं, जिसे लक भी हम कहते हैं, ये सभी चीज़ें, मेहनत और भाग्य, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम गीता की ज्ञान का बात करें, कर्म कर फल की चिंता न कर, तो हमें कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ दूसरी परेशानी ये है कि हम इस दौर में जी रहे हैं कि पहले फल की चिंता है, फिर कर्म के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो इसी आइडियोलॉजी को आपको मानना है कि आपको केवल अपना कर्म करना है। अब कर्म करना है उसे बहुत ही ईमानदारी से, शिद्दत से, और सीख कर जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें सीखते सीखते उस चीज़ को करते रहें। हर दिन नया सीखें, जो उसमें बात ऐड करें। जैसे जैसे आप उसमें डूबेंगे, आपको नए नए अनुभव हुए हैं और होते रहेंगे। तो कर्म करें, फल की चिंता ना करें। दूसरी बात होती है कि कुछ हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, जो जिसमें दोषी हम होते हैं। सबसे पहली बात, माता पिता का सम्मान, ये बहुत बड़ी बात है। बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता का सम्मान और महिलाओं का सम्मान, चाहे आप महिला क्यों ना हो, मैं हर बार ये बात कहता हूँ। ये चीज़ें व्यक्ति के भाग्य को बहुत प्रबल करती हैं। व्यक्ति को जो किस्मत में ना हो या हो, जो भी हो, लेकिन उसकी हर मंजिल में उसे सफलता मिलती है अगर वो अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करता है, क्योंकि इस पर ही आधारित है सभी ग्रह। कहीं ना कहीं आप नशा करते हैं, व्यसन करते हैं, जो भी नेगेटिव चीजें करते हैं वो गलत है, वो आपके ग्रहों पर इम्पेक्ट करती है। और आप चाहते हैं कि हम एक कोई रत्न पहन ले और सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको मैं हर बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको पूरा 2 महीने 3 महीने पूरा प्रैक्टिकल चलना होगा, पूरी ईमानदारी के साथ चलना होगा। आप ऑटोमेटिकली, आपको फायदा मिलेगा। आपको कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। रोज मंदिर जाए, अपने माता पिताओं को बहुत अच्छे से रखें, और रखते भी लोग, ऐसी बात नहीं है कि रखते भी हैं लोग, लेकिन व्यसन करते हैं। और जहाँ सब कुछ सही है, जहाँ सब कुछ सही है, वहाँ इच्छा शक्ति की कमी है। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि जहाँ माँ बाप का सम्मान भी हो रहा है, नशा भी नहीं करते बिल्कुल जीव, वहाँ इच्छा शक्ति का अभाव है, वहाँ डर है, वहाँ संकोच है, वहाँ लोगों की बातों में ज्यादा गुम रहा है। तो इस चीज पर भी आप ध्यान दें। ये वही चीजें जो मैंने आपसे शेयर की, इन पर आपको काम करना है। हर व्यक्ति भाग्यशाली है, सब पर ईश्वर की कृपा है, और आप हमेशा खुश रहेंगे, यही मेरी दुआ है। अच्छा लगा वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।